नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। करेली जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आज जिले में लॉकडाउन किया गया है, जिसका असर करेली में भी दिखाई दिया है। इस दौरान पुलिस ने घूमते हुए लोगों को समझाइश दी और लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना वजह से घर से बाहर ना निकलें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और होली का त्यौहार अपने घर में ही मनाएं। सर, संडे में लॉकडाउन लगाया हुआ है, क्या अपील है लोगों से? त्यौहार का माहौल है। देखिए, जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं कोरोना को लेके, क्योंकि फिर से कोरोना दोबारा से प्रदेश में और पूरे देश में और अपने शहर में फैल रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और जो जिला प्रशासन द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके तहत आज रविवार को शहर में लॉकडाउन किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि आप जो भी आगामी जो ये त्यौहार है, होली का त्यौहार है, आगामी रंगपंचमी और गुड फ्राइडे का त्यौहार है, इसमें अपने घर में ही रह के त्यौहारों को मनाएं, अनावश्यक सड़कों पर ना निकलें, ताकि हम जो कोरोना महामारी है इससे अपने आप को और अपने शहर को और अपने प्रदेश को सुरक्षित रख सकें। तो ये मेरी अपील है लोगों से कि सभी लोग अपने घर में, जो शासन का निर्देश है कि होली है मेरा घर मेरी होली, इसको अपने घर में ही रहते हुए मनाएं और कोरोना से दूर रहें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें और इस शहर को भी सुरक्षित रखें। सर, क्या पाबंदियां हैं? त्यौहार सामने हैं, जिले में लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं प्रशासन की? बहुत जिम्मेदारी बढ़ती है। ताला लगाया इसलिए जाता है कि संपत्ति सुरक्षित रहे, ठीक है? तो प्रशासन, शासन प्रशासन के लिए जनता समाज इसकी रक्षा सुरक्षा, जानमाल की सुरक्षा, ये सबसे प्रमुख चीज है। जो कोरोना महामारी का सेकंड स्ट्रेन आया है वो बहुत खतरनाक है। अन्य जिलों से हमको सबक मिल रहा है क्या स्थिति है, हम किस बात का इंतजार करना चाहते हैं? हमारे प्रशासन ने, हमारे जिला प्रशासन ने जो अभी निर्णय लिया उसके अंतर्गत हम यही अपील कर रहे हैं कि मेरा घर मेरी होली, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, उसको हम चरित्रार्थ करें और इस बीमारी के संक्रमण की चैन को तोड़ें। और इसके अंतर्गत धारा 144 लगी हुई है। आज रात को त्यौहार के मद्देनजर होली मनाने के लिए 2 घंटे की छूट है। 5 लोगों के साथ जाकर के सांकेतिक प्रतीकात्मक तरीके से होली मनाएं, प्रतीकात्मक तरीके सबे बारात गुड फ्राइडे मनाएं और संक्रमण से बचें। मिलना जुलना, बैठना उठना, ये प्रमुख चीज होती है, तो वो करने के लिए हम एक दूसरे का स्पर्श ना करें और थोड़ा सा संक्रमण फैलने वाले चीजों से बच के रहें, यही हमारा शासन, जिला प्रशासन अपील कर रहा है, ताकि हमारा जिला, हमारे लोग, हमारा समाज सुरक्षित रहे। सर, क्या पाबंदियां लगी हुई हैं? पाबंदी लगी ये है कि जो प्रमुख रूप से जो बाजार है, दुकान है, ये कल सुबह 6 बजे तक के लिए बंद रहेंगे और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति इत्यादि के लिए, आवश्यक कार्यों के लिए आपको आने जाने की छूट है। लगभग कोरोना से संबंधित लोग सब परिचित हो चुके हैं, सब समझते हैं और पाबंदियां भी नरमी तरीकों से, जिसके जो आवश्यक काम है वो भी होते रहे, अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो। खबर समय जगत के लिए करेली से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।